विद्या नगर में असामाजिक तत्वों द्वारा लो जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, एकदम ठीक है। उक्त घटना के संबंध में निम्न निवेदन है, आरोपियों पर उचित कार्रवाई कर चोपड़ा बाजार बरसिया थाने तक जुलूस निकाला जाए। दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, आरोपियों पर रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की जाए, जो भी लोग इस घटना में लापरवाही और कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो, जो लोग गिरोह के रूप में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो बड़ा गिरोह है उसका पर्दाफाश किया जाए, और तीसरा उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाए, और मोबाइल का जो डेटा डिलीट किया गया है उसको तत्काल रिकवर करके जिन लोगों के मदद से किया गया उन पे कार्रवाई की जाए। और तो आप लोग देखिए इसमें 5-6 बातें आई निकलकर, बहुत ही आप लोगों ने दिया। इसमें पहली बात इसमें ये आई है कि लोगों पर कार्रवाई की जाए जो लोग भी दोषी हैं। तो जो पहला पॉइंट आपने लिखा है कि आरोपियों पर, जितने भी गिरोह के रूप में आरोपी हैं, मतलब 2 हैं 4 हैं 5 हैं 6 हैं, अब सबसे पहले इसको हम 2 तरीके से रिकवर कर लेंगे। एक तो मोबाइल में जितने लोगों के लिंक मोबाइल नंबर उससे कनेक्ट होंगे, अभी हम बैठ के उन सब लोगों को रिकवर करके सभी लोगों को बनाएंगे उसमें आरोपी। दूसरी बात जो आप लोगों ने कही है कि जुलूस भी निकालेंगे, तो जो जो लोग उसमें और आएंगे सब लोगों को एकदम ऐसा करेंगे कि कोई दोबारा जो है इस तरीके की हरकत करने के साथ न करे। और रासुका की बात है तो रासुका एकदम लगाएंगे, पुलिस से मैंने बोल दिया कि तत्काल प्रकरण बना के मेरे पास लाइए, तत्काल रासुका लगाएंगे। और उसके अलावा जो भी इन लोगों के किसी के भी जो दोषी हैं, जिनके अवैध काम चल रहे हैं, जिनकी अवैध गतिविधियां चल रही, उन सब लोगों के लिए हमने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी मजिस्ट्रियल बनाने का निर्णय लिया है। तो मजिस्ट्रियल जांच कमेटी बना के उन सारी चीजों का, और जो आपने इस कागज में लिखे हैं उन सारी चीजों का भी हम ध्यान रखेंगे और वो सारी चीजें करेंगे। देखिए जो आप लोग इसके लिए आए हो, तो ये हम सारी चीजें आपकी करके और आपको फिर से एक बार मिलकर बताएंगे कि हमने क्या क्या कर दिया है।